हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक इजी लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं आईसीटी। ठीक है, आईसीटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आईसीटी बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से बस आप देखते रहिए, सबसे इजीली हम इस टॉपिक में नंबर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ जो है मैंने लिखे हैं पांच टाइप के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कौन से जनरेशन है कंप्यूटर के, देखिए पहला जो है वैक्यूम ट्यूब, मतलब जब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ईयर मेंशनड है, सीरीज का नंबर मेंशनड है। सेकेंड क्या है, ट्रांजिस्टर। क्या है, जब ट्रांजिस्टर यूज होता था कंप्यूटर के अंदर। ईयर मेंशन है, सीरीज मेंशन है। थर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट जब से कंप्यूटर के अंदर आने लगे। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा होने लग गया, कम्पैक्ट। इन दोनों में भाई साहब कंप्यूटर आधे कमरे जितने बड़े होते थे। फोर्थ क्या, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू जो कि हम अभी यूज करते हैं। फिफ्थ क्या है, एआई से रिलेटेड आएंगे। देखिए अब इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, एक तो इनका ईयर ऊपर से याद कर लीजिए, दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये क्या क्या टाइप्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तीसरा क्या, जब 3 डिजिट की सीरीज हो 65701 तो फर्स्ट सीरीज का हो जाएगा। थर्ड सीरीज में भी क्या होगा, 3 सीरीज होंगी पर 3 से स्टार्ट होगा, तो क्या थर्ड जनरेशन वाला हो जाएगा। अगर क्रोनोलॉजी आपको लगाने के लिए दे दे कंप्यूटर की, बताओ फर्स्ट का था या सेकेंड का था। सेकेंड में क्या, 4 डिजिट की सीरीज है 1400 IBM, ये IBM ही है, एम मैं लिखना भूल गया। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में क्या, एप्पल मैकिंटॉश और ऑल्टेयर। अगर बाई चांस आपको क्रोनोलॉजी में दे दें या पूछ ले कौन सी सीरीज का, तो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ जनरेशन जो अब आएगा वो एआई से रिलेटेड आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होगा, नैनो टेक्नोलॉजी होगी। क्या इसके ऊपर भी काम चल रहा है, और अभी हम फोर्थ जनरेशन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, गया नहीं है फोर्थ जनरेशन पूरा। इसके बाद ये बात करते हैं सीपीयू पे। देखिए सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो सीपीयू के अंदर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन को करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, उसको हम सिंपल से कह देते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। जैसे एड, सब्ट्रैक्ट, लॉजिकल कंपेरिजन वगैरह कुछ भी करे तो इसी में ही होगा। कंट्रोल यूनिट क्या है, ये कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में। प्लस मेमोरी एक्सेस को, और इंश्योर करता है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना कंप्यूटर को, वो सही सीक्वेंस में हो रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस सही तरीके से, ये माउस हिला रहा हूँ सही तरीके से हिल रहा है, समझने के लिए। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फंक्शनिंग एज दी कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो भाई साहब देखिए, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या है, ये क्या स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, और फंक्शन करता है एज दी कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये क्या पार्ट हो गए सीपीयू के। इसके बाद जो है ये है जो है कॉम्पोनेंट्स। देखिए रजिस्टर, कैश, बसेज और सीपीयू ब्लॉक। रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है जो सीपीयू के अंदर जो है, विद इन द सीपीयू फॉर टेम्प्रेरी डाटा, सीपीयू के अंदर ही होती है जहाँ टेम्प्रेरी डेटा स्टोर किया लिया जाता है। कैश क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है, क्या सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी डेटा को स्टोर कर देते हैं। अगर पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर जो है कैश से बहुत तेज होता है। ठीक, इसके बाद आता है बस। बस का क्या मतलब है, एक तरीके का हाईवे है जो सीपीयू के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ता है। वहां से डाटा यहाँ ले जाएगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ ले जाएगा, ये सब चीजें करेगा। सीपीयू क्लॉक क्या है, जनरेट करेगा रेगुलर पल्सेस टू एंश्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एट दी राइट टाइम। कि मतलब ये एक तरीके से दिल की धड़कन है, और ये इंश्योर करती है जो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं बिल्कुल सही टाइम, परफेक्ट टाइम पे। इनपुट डिवाइसेस क्या है, दिस डिवाइसेस अलाउ यूजर टू सेंड सिग्नल टू दी कंप्यूटर फॉर वेरियस टास्क। देखिए आप जो है कंप्यूटर को जो है इनपुट देंगे तभी तो वो आउटपुट दे पाएगा। इनपुट का क्या मतलब होता है, जैसे आप कीबोर्ड पर जब टाइप करते हैं, माउस से ऐसे चीजें हिलाते हैं, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच पैड, ये क्या है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, जब मैं माउस से हिला रहा हूँ तभी ये चीज हिल रही, तो क्या माउस जो है मेरा बाहर से वो क्या एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, और जब स्क्रीन पे ये चीज हिलती है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, तब ये क्या है मॉनिटर, ये रेड रेड जो ये चीज दिखा रहा है, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर, दे डिस्प्ले और प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर डिस्प्ले जिसपे आपको रेड रेड चीज दिख रही है, प्रिंटर, स्पीकर जिनसे आवाज आती है, हेडफोन आवाज आती है, प्रोजेक्टर पे मैच वैच आप देखते हो। ठीक, प्लॉटर क्या होता है, एक तरीके का ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक और लार्ज स्केल डिजाइन। प्लॉटर जो होता है ना प्रिंटर से बड़ा होता है, समझने के लिए आप ये समझ लीजिए। एलईडी, एलसीडी पैनल, ये सब क्या एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइसेस के। पास आपको ये चीज पता होनी चाहिए यार, क्या चीज इनपुट है क्या चीज आउटपुट है। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गई, 3 तरीके की है, पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड है कैश मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है वो कहता है कि इसके अंदर दो है, रैम और रोम। आप ना रैम पढ़ देना, ठीक है, रैम का उल्टा रोम में कर देना है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब अगर आपने एक बार सिस्टम को बंद कर दिया तो क्या है मेमोरी बिल्कुल उड़ जाएगी। ठीक है, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग प्रोसेस बाय द सीपीयू, तो ये क्या सीपीयू के डेटा को स्टोर करता है। लाइट गई तो भाई साहब मेमोरी भी, तो क्या आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन सब गायब हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, तभी मैंने रेड में किया। रोम इसका उल्टा हो जाएगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस है।
रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल, ये हमेशा सेव रहता है आपके कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो। आपने देखा जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, अगर लेनोवो का है, एसस का है, किसी का भी, तो लेनोवो लिखा हुआ होगा, एसस लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग में, तो ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, अगर यहाँ पावर भी चली जाएगी तो भी जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमेशा उस लैपटॉप के अंदर रहेगी। ठीक है, तो क्या रीड ओनली मेमोरी, इट इज नॉट नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कंटेन करता है फर्मवेयर और सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस को जिससे वो सिस्टम ऑन होता है। अगर वही चीज बार बार चल जाए तो हमारा सिस्टम कभी ऑन ना हो पाए, इसलिए वो क्या है रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही कवर होता है, जो आपका लोगो वोगो बना हुआ होता है स्टार्टिंग में जब आपका सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि पावर गई तो स्टोरेज उड़ जाएगी, नहीं, हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क थोड़ा सा रैम से स्लो होती है, ठीक है, रैम में जो है मेमोरी बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है एक जगह से, पर हार्ड डिस्क में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हार्ड डिस्क में आप जानते हो हमारा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो जाता था, क्या मेमोरी कम, उसको मेमोरी जो है जितनी चाहिए होती थी वो नहीं यूज़ कर पाता था, सारी मेमोरी भर जाती थी। इसकी जगह रिप्लेस करके क्या आ गया, अब आने लग गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव जैसा होता है, पर क्या ये फ्लैश मेमोरी यूज करता है, याद रखना है ये चीज, इंस्टेड ऑफ स्पिनिंग डिस्क। तो क्या हार्ड डिस्क के अंदर अगर डिस्क स्पिन करती थी अंदर टिक 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 टिक, तो ये क्या ये फ्लैश मेमोरी यूज कर रहा है। इसका जो है एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है, प्लस ये एचडीडी से ज्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा फास्ट होता है। अब आपके कंप्यूटर्स में आपको पता है सॉलिड स्टेट ड्राइव लगे होने लगी हुई आने लगी है, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, भाई साहब पोर्टेबल डिवाइस होती है, अपना लगाया यूएसबी ड्राइव में डेटा लिया, तुरंत इस कंप्यूटर से उठा के उस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। कैश मेमोरी क्या है, ये क्या अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज लेयर है बिटवीन सीपीयू और रैम। तो जब सीपीयू और रैम के बीच में हम काम करते हैं ना, जिस डेटा को हम बार बार एक्सेस करते हैं उसको जो है कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है ये हमारी स्पीड एनहेंस कर देता है सीपीयू और रैम की, इसलिए कैश मेमोरी होता है। अब देखिए मेमोरी फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट में क्या है, सबसे फास्टेस्ट क्या होती है सीपीयू रजिस्टर, फिर आता है कैश मेमोरी सेकेंड नंबर पे, थर्ड रैम, चौथा रोम, फिर क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव, और फिर आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, और सबसे एंड में आपका जाएगा आपके सीडी वीडी आ जाएगी, उससे पहले चले जाओगे तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ जाएगी। ठीक, ये क्या मेमोरी मैंने लगाई है फास्टेस्ट टू दी स्लोएस्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, इट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, एक तो उसको मैनेज करता है कैसे काम कर रहा है, प्लस प्लेटफॉर्म देता है जहां आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल पाए। अब आप सपोज करो अगर ये जो है आप ब्राउजर पे देख रहे हो, ठीक है, ये वाली वीडियो, तो क्या आपने पहले विंडोज डाली होगी, जब विंडोज डाली फिर आप ब्राउजर डाउनलोड कर पाए ना, तो विंडोज क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और ब्राउजर क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो ना सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या है एमएस ऑफिस, गूगल प्रो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अलग कैसे, एक पर्टिकुलर यूटिलिटी ही इसका वो काम होगा, जैसे एंटीवायरस हो गया, और क्या है वो आपके सिस्टम को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है ऑप्टिमाइज करता है, उसको एनहेंस करता है उसकी परफॉर्मेंस, और क्या है सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है, ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना एमएस ऑफिस और मैकफी एंटीवायरस से, ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मैकफी एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, देखिए जो सॉफ्टवेयर जो है जो किसी एक बंदे को या किसी कंपनी को, वो उसको ओन करता है और उसको कंट्रोल करता है। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी तरीके से यूज करने लग जाए या चुपचाप उसका पायरेटेड वर्जन डाल दें, जो क्या है आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जो है मिसयूज करें, वो किसी और चीज किसी और की अमानत है, तो आपके खिलाफ पूरा एक्शन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप पायरेटेड वगैरह यूज कर लो और उन्हें पता लग जाए ना, तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनकी माइक्रोसॉफ्ट वाला उसे ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। शेयरवेयर क्या है, देखिए शेयरवेयर को समझने के लिए आप ऐसे लिखिए, जैसे स्पॉटिफाई है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो है स्टार्टिंग के 30 दिन फ्री होगा, उसके बाद जब आप यूज कर लेंगे तो कहेंगे जी 31वें दिन के बाद ना हर महीने आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे अगर गाने सुनने। ये क्या है एक तरीके का आ गया एग्जाम्पल किसके, शेयरवेयर का, स्टार्टिंग में फ्री होगा बाद में कहेंगे जी परचेज करो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जब जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो उसमें सोर्स कोड फ्री हो, सोर्स कोड मतलब अगर आपको पता है सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड फ्री हो जाए तो आप जो है अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज पर दी रिस्पेक्टिव लाइसेंस जो उसका हो। तो क्या एक तरीके से आपको एक बंदे ने सॉफ्टवेयर दिया और उसका सोर्स भी दे दिया ना, तो आप उस सॉफ्टवेयर को आराम से मॉडिफाई कर सकते हो, है ना मस्त चीज। फ्रीवेयर क्या है, देखिए फ्रीवेयर में क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर तो फ्री मिल जाता है, वो बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर देता है पर सोर्स कोड नहीं देता। एग्जाम्पल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप फ्री है पर आप व्हाट्सएप के आइकन को चेंज कर सकते हो, उसके चलने के तरीके को मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें उसका आपके पास उसको आपका आपको जो है उसका सोर्स कोड नहीं मिल रहा है,
तो किसके अंदर आ रहे हो, कैटेगरी फ्रीवेयर में आ रही है व्हाट्सएप, जो है क्यों हमेशा फ्री रहेगा। अब देखिए कुछ चीजें जो है कंप्यूटर के लिए आपके होते हैं थोड़ा डेंजरस और रिस्की। अब हम पढ़ते क्या है, वायरस। देखिए जो ऐसा वायरस का एक तरीके का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं, आपकी डेटा चुरा सकते हैं, उनको करप्ट कर सकते हैं। वॉर्म क्या होता है, वर्ड लिखिए ये याद रखिएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है, एक घुसेगा वो एक अपने आप को दो कर देगा, दो को चार अपने आप करेगा, चार को 16 करने लगे, ऐसे ये कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, ये क्या कंप्यूटर की वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, जो वीकनेस है उसको बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ट्रोजन क्या है, ये एक तरीके का मैलवेयर होता है, डिसगाइज कर लेते हैं अपने आप को ऐसा लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, और लोगों को लगता है हमने तो जी लेजिटिमेट चीज डाउनलोड करी, सपोज अपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया अपने लैपटॉप के लिए, वो है तो आइकन व्हाट्सएप का, पर एक्चुअली में है वो एक मालवेयर होगा ट्रोजन के नाम से। ठीक है, वो बाहर से तो आपको व्हाट्सएप दिखेगा पर जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे वो व्हाट्सएप नहीं होगा, ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने आप को डिसगाइज कर लिया। ये वर्ड्स आप याद रखिए, स्पाईवेयर क्या है, जब आप किसी की लैपटॉप को ना सीक्रेटली मॉनिटर करो, उसके डेटा को समझो, की स्ट्रोक मतलब क्या क्या टाइप कर रहे हैं ना, और ब्राउजिंग हैबिट को समझो, तो क्या एक तरीके का है स्पाईवेयर है, आप उस पर स्पाई करने लग गए हो, चुपचाप आपने उसको स्पाईवेयर डाल दिया उसके उसमें। फिशिंग क्या है, देखिए एक तरीके का साइबर क्राइम है, डिसेप्टिव ईमेल और मैसेज, जैसे आप उस पर टिक करोगे आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चली जाएगी, पासवर्ड, फाइनेंशियल डिटेल, और आप क्या हो सकते हैं, कंगले हो सकते हैं। फिशिंग क्या एक तरीके का साइबर क्राइम है। सिक्स क्या है, हैकिंग क्या होती है भाई साहब, अनऑथराइज एक्सेस, एक्सेस जो कि अनऑथराइज हो वो क्या हैकिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है हैकिंग से, एक बार आपका एक्सेस मिल जाएगा अनऑथराइज तो डेटा चुरा लेंगे, डेटा बेच देंगे आपका। ठीक है, पायरेसी क्या है, अनऑथराइज रिप्रोडक्शन ऑफ अ कॉपीराइट मटेरियल, तो जो उसका कॉपीराइट हो रखा है, ठीक है आप उसको अनऑथराइज बेचो, जैसे क्या है विंडोज की सीडी है, आप उसको बार बार क्या है पायरेटेड कर करके भेजो, तो क्या एक तरीके का पायरेसी है। ठीक है, इसके अंदर क्या आप सॉफ्टवेयर का पायरेसी कर सकते हो, म्यूजिक का, मूवी का, किसी भी चीज का। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करिए, कमेंट डाला करिए, कुछ भी आपको जो चीज अच्छा लग रहा है उससे रिलेटेड कमेंट कर दीजिए, ये मेरे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। तो थैंक यू गाइस, मैं वापस आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।